हे एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। अगर आपको इस एक्ट के नाम से ही क्लियर होता होगा कि एक्ट बेसिकली कहना क्या चाहता है, तो एक्ट बेसिकली ये कहता है कि कभी भी हम देखते हैं कि ये जो वर्कमैन होते हैं या फिर एम्प्लॉयर होते हैं, वो आपस में एक यूनियन बना लेते हैं जिससे कि उनकी बातें सुनी जाए, वो अपनी बातें मनवा सके फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो बेसिकली ये इसी से डील करता है। लेकिन अब ऐसे थोड़ी है कि कोई भी आके बोल देगा, नहीं, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस यूनियन का, ठीक है, कौन कौन उसके मेंबर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो वो हम सब एक्ट में पढ़ेंगे। अब इस एक्ट को कई सारे पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन से कि जो यूनियनिज्म है, ट्रेड यूनियन, हमारी कंट्री में इवॉल्व कैसे हुआ। एक टाइम ऐसे था कि इसकी कोई भी लीगल बैकिंग नहीं थी, ये इलीगल था, लेकिन आज देखो इसकी लीगल बैकिंग है, साथ ही साथ इसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी प्रोविजंस हैं, ओके, देन अपील के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं इसके लिए, इसके लिए इनफैक्ट अब तो एक्ट भी बन चुका है। लेकिन एक टाइम था कि ये चीज़ लीगल ही नहीं थी, ये चीज़ इलीगल थी। तो स्टार्ट करते हैं, अभी भी काफ़ी एडवांस है अगर पहले के कंपैरिजन करें, लेकिन फिर भी देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो क्या हुआ 1600 में यहाँ पे ब्रिटिश आए, उन्होंने क्या किया, कंपनी बनाई यहाँ पे, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह ये सब बनानी शुरू कर दी। फैक्ट्रीज क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर था, राइट, और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, लैंड भी बहुत ज़्यादा था और सस्ता भी था। उसके बाद क्या कहते हैं कि अलग अलग मिल बनता है, कॉटन मिल बनता है बॉम्बे में, जूट मिल बनता है बंगाल में, ये 1851 में है ना, 1855 में, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग चीज़ें बन रही थी। फिर क्या होता है कि 1877 में आपको पहला इंस्टेंस दिखेगा, जो कि ट्रेड यूनियन का काम होता है एक्चुअली में, कि वेजेस में अचानक से रिडक्शन कर देते हैं। तो जो एम्प्रेस मिल था और नागपुर में था, वो सारे क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं और स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, ये नागपुर में हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि इसी के लिए 1875 में, मतलब इससे जस्ट थोड़े टाइम पहले 1875 में क्या हुआ था कि एक फैक्ट्रीज कमीशन बिठाई गई थी 1875 में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसने कुछ मतलब बताया कि फैक्ट्रीज़ को जैसे कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी, कुछ लिमिटेशंस लगानी पड़ेंगी ना फैक्ट्रीज़ पे, तो उसके चलते फैक्ट्रीज़ एक्ट 1881 पास हुआ, ठीक है, 1881 पास हुआ। लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे। फिर से क्या हुआ कि 1885 में फिर से कमीशन बैठी, राइट, अब उसकी वजह से क्या पास हुआ, फैक्ट्रीज़ एक्ट 1891, है ना। तो आप देखो 10 साल बाद ये पहला फैक्ट्रीज़ एक्ट था और ये दूसरा फैक्ट्रीज़ एक्ट था, एक 1881 में, एक 1891 में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1892 में एक रॉयल कमीशन बैठी, ठीक है, लेबर्स पे, तो उन्होंने कुछ उसमें मतलब लेबर्स के फेवर में एक चीज़ आई कि वर्किंग आवर्स फिक्स कर दिए गए कि ये वर्किंग आवर्स होंगे, उससे ज़्यादा उन्हें काम नहीं करवाया जाएगा। तो ये जितने भी ये सारे एक्ट्स थे, जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई, ये सफिशियंट नहीं थे, ठीक है, ये मतलब जो वर्किंग कंडीशन थी लेबर क्लास की, इस पर कोई असर पड़ ही नहीं रहा था, तो इसी के लिए कंडीशंस हो रहे थे। फिर क्या होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर वन होता है, अब इन सारे टाइम पीरियड के बाद वर्ल्ड वॉर वन होता है, तो लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि मतलब जो वर्कमैन रहते हैं बेसिकली, कि जितनी ज़रूरत एम्प्लॉयर को हमें एम्प्लॉयर की है, उतनी ही ज़रूरत एम्प्लॉयर को हमारी है। और ये बात कहीं ना कहीं सही थी। पहले ऐसा लगता था जो वर्कमैन होते थे कि वो उनकी ज़रूरत है, एम्प्लॉयर जितना मर्जी उन्हें एक्सप्लॉयट कर लेता था, लेकिन अब क्या हुआ, ये बात वर्कमैन के समझ आ गई कि जितनी ज़रूरत हमें है उनकी, उतनी ही ज़रूरत उन्हें भी है हमारी। तो बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर आगे आए, ठीक है, उन्होंने मतलब सपोर्ट किया और अकॉर्डिंगली वैसे ऐसे लॉ पास होते रहे। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं मतलब लॉज को आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ये बात पता चलेगी कि मतलब प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी कहीं ना कहीं, इस वजह से लॉज आने में इतना टाइम लग गया और बहुत स्लो प्रोसेस था, ठीक है, काम चल रहा था लेकिन कंपेरेटिवली वो स्लो था। तो 1918 में मद्रास लेबर यूनियन फॉर्म होता है, पहला मेजर ट्रेड यूनियन जो कि फॉर्म होता है इंडिया में, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ बीपी वाद्या। उसके बाद फिर क्या होता है, 1919 में, जस्ट एक साल बाद, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, 1920 में एक लाला लाजपत राय के प्रेसिडेंटशिप के, चेयरमैनशिप के अंडर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। लेकिन अब क्या होता है, जो वीपी वाद्या थे, इनके अगेंस्ट केस चल जाता है, केस का नाम था बकिंगम
मिल्स केस। इस केस में बेसिकली ये बोला जाता है कि ये जितने भी काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये वीपी वादे उन लोगों को कंस्पायर करते थे कि वो काम ना करें, स्ट्राइक पे चले जाएं। इससे क्या हो रहा था, ट्रेड में बाधा आ रही थी। फिर अब एम्प्लॉयर्स का कंटेंशन को सही मान लिया गया और एम्प्लॉयर का कंटेंशन ये था कि स्ट्राइक जो है इलीगल है, क्योंकि इससे क्या होता है, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होता है और जो कि इलीगल है अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद ये बोला गया कि वो स्ट्राइक जो है वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी के अंडर आता है अंडर सेक्शन 120A ऑफ IPC। उसके बाद क्या होता है, इसे बोला गया कि ये सिविल लॉ के अंडर सिविल कंस्पिरेसी है। अब मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात को सही मान लिया गया और ये बोला गया कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें लॉ सफ़र करना पड़ रहा है। तो अब इससे एक बात पता लग गई मद्रास हाई कोर्ट को कि अब तक हमारे पास एक भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि इंडिया में ट्रेड यूनियन को लीगलाइज करे 1926 में। अब हमें एक प्रो लेबर लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी, राइट। तो तभी क्या चीज़ फॉर्म होती है, तब फॉर्म होता है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। अब ये जो एक्ट है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इसके बहुत सारे फायदे थे। इनफैक्ट अगर मैं इसका प्रियम्बल रीड करूँ तो इसके प्रियम्बल में ऐसे लिखा हुआ है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। तो समझे, तो कहने का ही मतलब कि सबसे पहला स्टेप था, पहली बार अगर ट्रेड यूनियन लीगलाइज हुआ है तो वो पर्टिकुलर इस एक्ट के थ्रू है, तभी इस एक्ट के रिलेवेंस है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि इसके अंदर चेंजेस नहीं है या फिर इसके अंदर लूपहोल्स नहीं थे, बिल्कुल थे लूपहोल्स, अभी आप आके देखोगे। तो देखो इसने क्या क्या काम किया, पहली बात लीगलाइज कर दिया ट्रेड यूनियन को, ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजंस बनाए, कुछ इम्यूनिटीज दी जैसे कि सिविल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट, आप डिटेल में पढ़ोगे एक्ट के अंदर, और ये भी कि जो ट्रेड यूनियन है वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी, मतलब उधर भी पॉलिटिकल एरा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका उधर भी पार्टिसिपेशन। फिर आफ्टर द टाइम एक चीज़ इसके अंदर रियलाइज होती है, एक मेजर ड्रॉबैक इसके अंदर आता है, वो ड्रॉबैक ये आता है कि देखो अगर ये चाहे तो कंपल्शन कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए लॉ बना दिया गया लेकिन एम्प्लॉयर के पर कोई कंपल्शन नहीं थी कि उस ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करे। सपोज ये एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर के लिए कंपल्सरी नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करे, वो कह सकता है कि मैं, मतलब इस एक्ट में कोई कंपल्शन थे ही नहीं उसके लिए, तो कोई भी ट्रेड यूनियन बनता था, ठीक है, और वो अपने ट्रेड यूनियन काम परफॉर्म करता था, तो एम्प्लॉयर का हमेशा डिफेंस रहता था कि हमने तो इस ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। तो अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद और चीज़ें नहीं आई, डेफिनेटली इसके बाद और भी चीज़ें आई। तो देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस, मतलब यूनियनिज्म, ट्रेड यूनियनिज्म इंडिया में कैसे कैसे आगे आया। तो अब हम देखेंगे 1950 और 1970 के बीच में कैसे चेंजेस आए। तो जैसा कि हमें पता है कि इस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, राइट, तो हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने ट्रेड यूनियन के लिए भी प्रोविजंस, मतलब ट्रेड यूनियन को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोविजंस बनाए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, राइट, इसके अंदर क्या है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो कि 19 क्लॉज 4 में दिया हुआ है। तो वही कि ट्रेड यूनियन भी तो एक तरीके का एसोसिएशन है, तो उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देन 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ट्रेड यूनियन अपनी बात रख सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देन 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या है, फ्री राइट टू फॉर्म असेंबली, है ना, वो कहीं पे पीसफुली बिना आर्म्स के असेंबल हो सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जैसे 19 क्लॉज 3 में, और इसका रिस्ट्रिक्शन कहाँ है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का 19 क्लॉज 2, ठीक है। तो इसके रिस्ट्रिक्शन भी मैंने आपको बता दिया, वैसे तो आप पढ़ ही लोगे। देन एक केस था इसी बीच आया था, BR Singh वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में ये कहा गया कि अगर हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो उस ये कहें कि वो फंडामेंटल राइट है, तो ये कहना गलत होगा, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, हम एक ये तरीका है जिससे कि हम अपने ग्रीवेंस को एड्रेस कर सकते हैं, तरीका है दिखाने का, अपना जो वर्कमैन है वो दिखा सकते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग रॉन्ग विद देम, किस तरीके के उन्हें चेंजेस चाहिए एंड ऑल दिस। अब ये भी एक और स्ट्राइक का राइट अब्सोल्यूट राइट भी नहीं है, ठीक है, अब्सोल्यूट राइट क्यों नहीं है, देखो सबसे पहली बात तो राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड दैट राइट इज नॉट अब्सोल्यूट। व्हाई इट इज नॉट अब्सोल्यूट, ये दिया गया है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 3 10A
4A, 22 एंड 23 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। मैं सारे प्रोविजंस आपको नोट्स में मेंशन कर दूंगी। तो मतलब कहने का मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इतना लिखा हुआ है कि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। उसके बाद इसी बीच हमारे 5 ईयर प्लान्स बने। तो जो स्टार्टिंग के 2 5 ईयर प्लान्स थे उनका मेन एम्फेसिस किस पे था, यही ट्रेड वगैरह इन सबको बढ़ाने में। अब वही सेम बात कि ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा नहीं था, लीडरशिप प्रॉपर नहीं थी, तो क्या हुआ कि ट्रेड यूनियन में ही इंटर यूनियन टेंशन होने लग गए, कन्फ्लिक्ट होने लग गए। अब भाई अब अगर आप जो लोग मिलकर साथ में लड़ रहे हैं वही लोग आपस में लड़ने लग जाए तो उन्हें जीत कैसे हासिल होगी, है ना। उसके बाद अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट 1970 से लेके 1990 के बीच में किस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। तो इस बीच जैसा मैं आपको बताती हूँ कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया थी वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होने लग गई थी। इसके पीछे के रीजंस थे जैसे कि वॉर्स होना, ठीक है, उसके बाद फेमिन आ जाना। कौन कौन सी वॉर हुई थी 1970-90 के बीच में, डेट के साथ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्फ्लेशन आ जाता है। इसके बाद अब इससे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, इससे हर एक सेक्टर हिल जाता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा हिल जाता है। बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारी इमरजेंसी आ जाती है जैसे डार्केस्ट पीरियड डेमोक्रेसी कहते हैं 1975 से 1977 के बीच में। अब इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स ले लिए गए थे, इनफैक्ट राइट टू स्ट्राइक को भी ले लिया गया था। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होती है तो ये लीडर सोचते हैं कि हम ऐसे लॉज लाएं जैसे स्ट्राइक और जो ये लॉकआउट्स हैं ये सारी चीज़ें क्या हो जाए, बैन हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हुआ और सरकार इस बिल को पास करने में सक्षम नहीं रह पाई। तो ये होता है 1970 और 90। अब 1990 से लेके 1999 के बीच में क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया जाता है, LPG इंट्रोड्यूस होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इस टाइम जितने भी लॉज बन रहे थे और जो गवर्नमेंट का अप्रोच था वो लेबर फ्रेंडली नहीं था, अब वो कैसा था, इन्वेस्टर फ्रेंडली था। तो ये एक चीज़ हुई। उसके बाद फिर क्या होता है 21st सेंचुरी में जब हम आते हैं तो अगर हम अब देखें डेटा ऑफ लेबर ब्यूरो, 11,500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड लेबर यूनियंस हैं इंडिया में, ठीक है, और जिनकी एवरेज मेंबरशिप अराउंड 1,283 मेंबर्स हैं पर यूनियन। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर बिल्कुल डेवलपमेंट रहा है। किस तरीके से हमने ऐसा फेज देखा था कि जब ट्रेड यूनियन की लीगल बैकिंग ही नहीं थी, वो इलीगल था, और अब वो लीगल है, उसके खुद के उसके पास लीगल तो है ही, साथ में कुछ इम्यूनिटीज़ भी हैं। बाद में और भी कुछ 2001 के बाद बहुत सारे और भी चीज़ें अमेंडमेंट्स आई, जैसे सेक्शन 4 में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्रोविजो डाला गया। ये मैं आपको एक्ट पढ़ाते टाइम बता दूंगी। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट ट्रेड यूनियन, उसके पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे।